सो हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग दिखाने वाले दुर्गा मंदिर में एक सांप निकला है जो कि बहुत बड़ा है। वो जो अजगर सांप जिसको बोलते हैं वो कम से कम 20 से 25 किलो का होगा। चलो गाइस आपको दिखाते हैं सांप कहां पर है। देखने के लिए ब्लॉग पे बने रहना है। जो नया चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो कि देख सकते हैं। देख सकते हैं वह बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बच चुका है। ये रात नहीं है, ये हमारे यहाँ का आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बैठ के गेम खेलता है। लेकिन यहाँ पर मिट्टी नहीं थी, इधर बैठ के खेलता है। तो देख सकते हैं इतना सारा भीड़ हो चुका है, जमा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर बापी दा चुका है, पर बापी दा चुका है जो कि जो बापी दा चुके हैं। हमें बने बोले अभी बोल दे बापी दा के कार, जो कि कार से उतरते हुए ये नहीं है जो है उतरेंगे, जो अपना औजार लेके आ रहे हैं। हाँ अबे अबे कौन यहाँ पर औजार निकाल चुका है। हाँ कैमरा पे रोक, यहाँ पर बापी दा जा रहे हैं। कैमरा मैन बापी दा रिस्क्यू करेंगे। काटा वो बंदा चला गया। देख सकते हैं, देख सकते हैं जो बापी दा है, ये जो आपको जो रिस्क किए हैं। पीछे हटिए ना आप लोग थोड़ा। तो देख सकते देख रहे मास्क ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये भारत का बिना जहरीला सबसे ताकतवर सांप है, और ये इसको इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, जिसको अजगर के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा ताकत यही है, शिकार को सबसे पहले इसी तरह दबोच लेता है, और इतना ताकत से ये इसको दबाता है कि आपका हड्डी भी तोड़ देगी, और बड़े से बड़े ये जो शिकार को आसानी से मार देता है। और ये अगर चाहे तो 10 से 12 साल का बच्चे को आसानी से मार सकता है। देखिए इससे पहले देखे वो महिला को ये पूरी तरह निगल चुका था, बाद में भले शाम भी मर गया, लेकिन यही इसका खासियत है। तो रही है
छोड़ दीजिए हमको भी जाना होगा तो चाची फिर लकान दोस्तों यहाँ हमारा साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा है कर्मी लोग है तो हम इन्हीं को ही सांप सौंप दे रहे हैं ताकि इसको हमको भी रिलीज करने जाना होगा जंगल और ये तो यहीं पर रहते ही है वायरल हो गया पूरा ऐसा सांप कहीं भी घुस जाए और कोई चाहे जहरीला हो बिना जहरीला हो उसको मारे नहीं यह हमारा पर्यावरण मित्र है तुरंत फोन करें हम आ जाएंगे किसी भी वक्त थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आ जाएंगे फिर उसको पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ेंगे आज के लिए जय हिंद जय भारत।